नाम है इनका? अभी वो चांदपुर में कोटू के आटे के मरीजों की संख्या बढ़ी है, क्या मामला है? आज नवरात्र के पहले दिन यहाँ पे चांदपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ पे कई सारे मरीज आ रहे हैं अस्पताल, जिन लोगों ने कुट्टू का आटा खाया था और उससे उनको फूड पॉइजनिंग का केस वो लग रहे हैं। काफ़ी लोगों को दस्त हुई है, पेट में दर्द है, थोड़ा कंपन है बॉडी में, इस तरह के सिम्टम्स पाए गए। जो जो मरीज यहाँ पे क्रिटिकल थे उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है, बाकी यहाँ पे हमारे CHC में और प्राइवेट डॉक्टरों के मदद से इलाज कराया जा रहा है। जो भी सुविधाएं की कमी है उनको हम लोग सभी जगह मुहैया करा रहे हैं। पूरी तरह से हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम और अन्य टीमें सभी लोग अलर्ट मोड पे हैं और पूरी तरह से हम लोग की यह प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति इसमें क्रिटिकल ना हो। अच्छा सर, कितनी संख्या होगी लगभग मरीजों की? संख्या जो अभी संज्ञान में आ रही है 125 से 150 की संख्या संज्ञान में आ रही है, बाकी एग्जैक्ट लिस्टिंग कराया जा रहा है अलग अलग हॉस्पिटल में। गांव में भी सभी प्रधानों को भी निर्देशित किया गया है कि वो भी अपने माध्यम से अगर किसी को भी सिम्टम है तो उसको चिन्हित करें और तत्काल उसको हॉस्पिटल रेफर करें। अच्छा सर, एक जानकारी और प्राप्त हो रही है कि फूड इंस्पेक्टर आए थे कल या परसों में चेकिंग में, तो उनके द्वारा कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, अगर वो कुछ जांच करते तो शायद ये मामला नहीं होता। उस पहलू पर भी जांच की जा रही है, कुछ यहाँ पे सैंपल कलेक्ट कराए गए थे, सैंपल कलेक्ट करा के लैब में भेजे गए हैं जिसकी अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, बाकी अभी हम लोग जो भी इसके लिए दोषी है उससे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।